तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या माने, एक मिनट, माने प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट माने प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना, ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या स्पीकर सर, ये उचित है, अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए, ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी, प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस, एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है हमारे साथ, चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है। बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते।
मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पीट रही है। मैंने कहा बहन, मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था, ठीक है सर, छोटे से घर में